दिल्ली के जमात उलेमा के मौलाना मदनी ने एक बयान दिया है कि हम ये सजा को मानते नहीं हैं, जो भी मृत्युदंड या आजीवन कैद की सजा दी गई है उनको हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और उस तरह से उन सभी लोगों को फांसी से या जो सजा उनको दिलाई है उससे मुक्त करेंगे और देश के नामी वकीलों को हम रखेंगे और साथ में हम बचाव करेंगे और जो भी चुकादा दिया है वो उसके खिलाफ हम है, वो चुकादा हमको मान्य नहीं है, ऐसा कहकर अहमदाबाद के 56 ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपना स्वजन खोया था उनके लिए एक दुख भरी बात सामने आई है। अहमदाबाद के हाटकेश्वर के बॉम्ब धड़ाके में एक परिवार का मोभी गुजर गया था। इनके पिताजी गुजर गए थे, पवन भाई अग्रवाल और कपिल अग्रवाल दोनों भाई के पिताजी वहां पर गुजर गए थे, मुरारी अग्रवाल, वो हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि मौलाना मदनी का ये बयान को किस तरह से आप देखते हो। मौलाना मदनी ने एक बयान दिया है, गुजरात के कोर्ट ने जो न्याय दिया है, चुकादा दिया है, उसको हम नहीं मानते, हम गुजरात हाईकोर्ट में जाएंगे, क्या कहोगे ये मौलाना मदनी के बारे में? मौलाना मदनी ने या कोई भी जो गुनहगारी जो भी गुनाखोरी जो भी करते हैं, आतंकवाद जो भी फैलाते हैं, उनके लिए एक वो है कि वो ऐसा बोलते हैं कि आज हम कोर्ट में मतलब जाएंगे, अपील करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो भी करेंगे। पर मेरा मानना ये है, जब आप भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत का पीते हो, तो भारत के संविधान पे आप नहीं चलोगे तो किस पे चलोगे? जब भारत का संविधान आपको नहीं मानना था, आपको भारत छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात कि जब कोर्ट ने जो चुकादा दिया है, कोर्ट का चुकादा है, 14 साल बाद में कोर्ट ने चुकादा दिया है, वो मान्य हम भी कर रहे हैं और बाकी सब करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का ये 14 साल के बाद में जो चुकादा आया है वो आपको मानना ही पड़ेगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। इस्लामकरण करके पूरे देश में हिंदुओं को पलायन करने का, हिंदुओं को मारने की साजिश रची गई थी और यही समय जो था, पूरे देश जब ये न्यायालय के चुकादे को बधाई देता है, उनको वेलकम करता है, उसी समय में ये मौलाना का बयान आता है कि ये गलत है। क्या होना चाहिए ये मौलाना के बारे में? मेरा मानना ये है कि जब मौलाना ऐसा बोलते हैं कि हम उसके के जो चुकादा है कोर्ट का उसके खिलाफ जाएंगे, तो उसका कहने का मतलब तो है कि जो भी ये मौलाना है ये उनकी संडोड़ी के कारण ऐसा हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ जैसे कोई भी मिला हुआ होगा, उनने जो करवाया होगा, जब उनको खुशी नहीं है। बाकी जो 56 परिवार अहमदाबाद के जो भोगी बने, उनको उनके स्वजनों को सबको खुशी है कि 14 साल बाद चुकादा तो आया, कम से कम जो भी 38 लोगों को फांसी दी गई, 11 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है, और जो मौलाना है, और जो दूसरी बात आतंकवाद का ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, फिर भी मौलाना साहब ऐसा बोलते हैं कि बोले हम इसके खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में अपील करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको शायद याद होगा कि पिछले थोड़े दिन ही एक बनाव बना था किशन भरवाड़ की हत्या का, उस समय भी दिल्ली के एक मौलाना का वहाँ का उसके कनेक्शन और उसको वहाँ से क्राइम ब्रांच उठा के लाई थी और पूरी तरह स्वाजिश में शामिल था। ऐसे ही आज एक मौलाना बोलता है कि हम हमारे बिरादरी वाले जो भी आतंकवादी घोषित किए गए उनको हम छुड़ाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों के साथ ये मौलाना का भी कनेक्शन हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम कास्ट है उसको भारत देश को मतलब भारत सरकार को पनाह ही नहीं देनी चाहिए, ऐसी जो जातियां हैं, ऐसे जो विकृति के लोग हैं, उनको भारत सरकार को पनाह नहीं देनी चाहिए। आतंकवादियों को भारत में कोई जगह नहीं होती है, कोई पनाह नहीं होती है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्यवाही, राजद्रोह या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, एक टीम बनाकर जिस तरह भारत पर अलग अलग राज्यों में बम ब्लास्ट आए दिन करते रहते, उनके सामने कड़े कदम उठाने का समय क्या आपको अब नहीं लग रहा है? मैं तो यही चाहता हूँ भारत सरकार ने अब तक जो 14 साल में किया, पर इससे भी कोई बड़ा कोई ठोस कदम हो वो भारत सरकार को उठाना चाहिए, और आगे ऐसा ना हो वे देशद्रोही राजद्रोही जो भी अपने देश में घुसे और अपनी जनता को या फिर जो भी है बाहर के लोगों के बहकावे में जनता यहाँ की आए और बॉम्ब ब्लास्ट हो गए या ऐसा कुछ हो गए जो भारत की जनता को तकलीफ हो गए, ऐसा काम ना हो गए, तो जो भी अलग विकृति के जो लोग हैं, जो
इंसानियत है वो ना खो है। मौलाना के अलावा किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, कोई एक कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं गया है, सिर्फ मौलाना ही गया है। और जो बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी कोई भी धर्म का होता है, उसका काम है खून बहाना, हत्या करना और एक कौम से दूसरे कौम के बीच वैमनस्य पैदा करना। कल जो चुकादा आया था, सभी महानुभावों ने चुकादा को स्वीकार किया है, वेलकम किया है, लेकिन एक मौलाना ने ही इस तरह का बयान देकर फिर से एक बार वैमनस्य की ओर लाके खड़ा कर दिया है। मैं एक बात जानता हूँ, मौलाना हो, हिंदू हो, कोई भी हो, एक आतंकवाद या कुछ कोई भी तरह की विकृति इंसानियत नहीं है। और दूसरा, इंसान कुछ भी कर ऐसा कोई व्यक्ति है उसको भारत सरकार पर पनाह नहीं देनी चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। पीड़ित परिवार के सदस्य को बता रहे हैं कि मौलाना बदनी ने जिस तरह से एक चुकादा को चुनौती दी है और हाईकोर्ट के द्वार खखड़ाने की जो बात की है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसा साबित होता है।